हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरण, यू आर वॉचिंग स्काई इज द लिमिट। सो इस टाइम के अंदर एग्जाम लेने के लिए केरला में क्या चीज़ हुआ है, आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत ही बड़ा एक झटका लगेगा। स्टूडेंट्स इतना दिनों से इतना आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नो एग्जाम का वेकअप UGC, वेकअप MHRD, बहुत सारा हैशटैग लगा रहे हैं। उसके बाद भी UGC से यही फिक्स रखा गया है कि एग्जाम लेना पड़ेगा। तो इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। डेफिनेटली UGC को इसके बारे में सोचना चाहिए, MHRD को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या हुआ है केरला में एग्जाम लेके इस टाइम के अंदर, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत शेयर करना ताकि UGC या फिर MHRD के पास ये वीडियो पहुंचे और वो लोग थोड़ा भी समझे कि इस टाइम के अंदर एग्जाम लेना मतलब नेक्स्ट टू आप बोल सकते हैं इम्पॉसिबल है। इस टाइम के अंदर एग्जाम लेना मतलब स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ आप बोल सकते हैं खिलवाड़ करना है। तो इस टाइम के अंदर एग्जाम अगर ना ले तो वीडियो डेफिनेटली शेयर करना ताकि हर एक दोस्त के पास ये वीडियो पहुंचे और वो और भी शेयर कर पाए, ताकि MHRD या UGC के पास ये वीडियो पहुंचे और वो लोग डेफिनेटली ये वीडियो अंत तक देखें और उनको समझ में आए इस टाइम के अंदर एग्जाम लेना नहीं चाहिए। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक यूनिवर्सिटी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है वन बाय वन जान लेते हैं। इसको पूरा डिटेल्स में मैं नहीं बोलूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। पर यहाँ पे मेन चीज क्या बोला गया वो मैं आपको इजीली समझा दूंगा। टू स्टूडेंट्स हु appeared फॉर केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल KEM examination इन तिरुवंतपुरम ऑन July 16 have tested positive for COVID-19. A parent of a third student who sat for the exam has also been detected with the infection, prompting health official to begin hectic contact tracing exercise in a city which has been under a strict lockdown for past 2 weeks. यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल जो एग्ज़ाम होता है KEM, वो एग्ज़ाम जो तिरुवंतपुरम में हुआ था जुलाई 16 में, वहाँ पे दो ऐसे स्टूडेंट थे जो पॉजिटिव थे और वो एग्ज़ाम दिए हैं। और भी ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, एक पेरेंट्स थे जिसका बच्चा एग्ज़ाम दिया था और वो पेरेंट्स पूरा आप बोल सकते हैं इस टाइम के अंदर इन्फेक्टेड थे COVID-19 डिजीज से। तो इसके लिए क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बोला गया है कौन कौन ये स्टूडेंट थे। एक थे 19 ईयर्स का एक स्टूडेंट और एक था 18 ईयर्स का एक स्टूडेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रहते हैं। यहाँ पे बोला गया है वो लोग एग्जाम दिए थे। जो स्टूडेंट 19 ईयर का स्टूडेंट है वो पूरा हॉल में उसका टेस्ट करने के टाइम में कुछ भी नहीं पकड़ा गया था, क्योंकि उसको बुखार भी नहीं था। वो एग्जाम हॉल में आपका एग्जाम दिए हैं इतना सारा आप बोल सकते हैं स्टूडेंट के साथ, मतलब इसका क्या आप बोल सकते हैं नतीजा हो सकता है आपको पता है। और एक जो स्टूडेंट है आप बोल सकते हैं जो 18 ईयर्स का स्टूडेंट है, वो 18 ईयर्स का जो स्टूडेंट है एक लड़की है, वो आपका एग्ज़ाम दिए थे आप बोल सकते हैं डिफरेंट रूम में, पर वो डिफरेंट रूम में आप बोल सकते हैं इनविजिलेटर थे और 2 volunteers थे जो वो रूम में प्रेजेंट थे। तो उससे भी वो दोनों का या फिर वो तीनों का भी फैल सकता है, ये भी आप समझ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव हैं वो बहुत बड़ा कोई क्राइम कर रहे हैं, नहीं। हम लोगों को ज़रूरी जो पेशेंट्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका दिमाग रखना चाहिए, उनको मतलब प्रॉब्लम है तो समझना चाहिए। पर ये आप समझिए, कोई अगर एक कोविड पेशेंट है वो अगर इतना सारा स्टूडेंट के बीच पे एग्ज़ाम दे रहा है तो स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उनको पता भी नहीं, वो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं और एग्ज़ाम दे के जब जाएंगे इन्फेक्टेड होकर घर जाएंगे। और भी बड़े बात, जो दो स्टूडेंट आप बोल सकते हैं इन्फेक्टेड हैं या फिर जो स्टूडेंट का आप बोल सकते हैं पेरेंट इन्फेक्टेड हैं, वो उस कैंपस में प्रेजेंट थे, तो वो कितने सारे को आप बोल सकते हैं इन्फेक्टेड कर सकता है, ये भी आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा। जो स्टूडेंट इन्फेक्टेड हैं वो अगर डिफरेंट रूम में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको अगर पता चला है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं टेस्ट के टाइम एग्ज़ाम हॉल में, तो उसके मेंटल स्ट्रेस, मतलब कोई ऐसे कैसे एग्ज़ाम दे सकता है जब किसी को आप बोल सकते हैं पता चले कि वो COVID-19 डिजीज़ से इन्फेक्टेड है और उनको बोला जा रहा है आपका एग्ज़ाम पेपर है आप एग्ज़ाम दीजिए, तो ये क्या मेंटल प्रेशर के अंदर स्टूडेंट्स लोग जा रही है। डेफिनेटली UGC एंड MHRD को समझना चाहिए। इसको लेके अभी बहुत ही आवाज़ उठाया जा रहा है आप बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, केरला से, और भी ज़्यादा आप बोल सकते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी है जो कि इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। #wakeupMHRD या फिर #wakeupUGC ये #hashtag यूज़ करके ट्रेंडिंग में चल रहा है, फेसबुक बोलिए, ट्विटर बोलिए, तो वहाँ पे बहुत बार ये बोला जा रहा है। केरला जिस जगह पे आप बोल सकते हैं सबसे अच्छा आप बोल सकते हैं परफॉर्मेंस दिखाया था, जो स्टेट इस टाइम के अंदर एग्जाम लेने के लिए, वो स्टेट का ये हालत अगर है
तो जहाँ पे इतना सारा कंटेनमेंट जोन है, आप मुंबई का ही बात पकड़ लीजिए, महाराष्ट्र का ही बात पकड़ लीजिए, जहाँ पे मोर देन 12,000 आप बोल सकते हैं कंटेनमेंट जोन है। अभी तो और भी बढ़ गया होगा पर घटा नहीं होगा। और जहाँ पे अलग अलग स्टेट पे हालत बहुत ही ख़राब है, जहाँ पे इंटरनेट क्वालिटी अच्छा नहीं हो, वहाँ पे अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो तो क्या हालत हो सकती है, ज़रूरी UGC या फिर MHRD को समझना चाहिए। डेफिनेटली जैसे वेस्ट बंगाल में आप बोल सकते हैं मैकाउट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी जो है हम लोगों का, उसमें रिजल्ट निकाल दिया गया है हर एक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का प्रीवियस गाइडलाइन फॉलो करके। मुझे लगता है डेफिनेटली ऑल ओवर आप बोल सकते हैं इंडिया ये डेफिनेटली करना चाहिए। एग्ज़ाम इस टाइम के अंदर कभी भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एग्ज़ाम लेना मतलब इस टाइम के अंदर स्टूडेंट्स का लाइफ रिस्क पे डालना। इसके ऊपर शशि थरूर जो है वो भी बहुत अभी लिख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, इसके ऊपर ज़रूरी पोस्टपोन करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम इस टाइम के अंदर एग्ज़ाम लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है आप बाद में एग्ज़ाम लीजिएगा, आप अभी पोस्टपोन कम से कम कीजिए, क्योंकि इस टाइम के अंदर स्टूडेंट्स का लाइफ रिस्क पे नहीं डाल सकते। ये क्लियरली बोला जा रहा है हर एक पॉलिटिकल आप बोल सकते हैं लीडर से या फिर स्टूडेंट्स कम्युनिटी से। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं बहुत कुछ जा रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है, थरूर पोस्टेड ऑन फेसबुक टूडे, केरला इज ऑलरेडी पेइंग द प्राइज फॉर द गवर्नमेंट्स अनवाइज डिसीजन डिस्पाइट अपील फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड दिस MP टू होल्ड द #KEAM एग्जाम एमिड द लॉकडाउन। I urge Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank and UGC not to repeat this mistake elsewhere in the country. #postponeexams यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है डॉक्टर शशि थरूर से कि इस टाइम के अंदर केरला जो गलती किए हैं, केरला गवर्नमेंट जो गलती किए हैं, वो उससे आप बोल सकते हैं UGC एंड MHRD को डेफिनेटली सीख लेना चाहिए और वो लोगों को डेफिनेटली ऑल ओवर कंट्री में ये होने से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम दिया गया डेफिनेटली बहुत ही ख़राब रिजल्ट आने वाले हैं उसका। तो डेफिनेटली मुझे लगता है इसके ऊपर सोचना चाहिए और डेफिनेटली अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन या फिर कैंसिल करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी हो डिफरेंट या फिर डॉक्टर शशि थरूर हम लोगों को बोल रहे हैं, डेफिनेटली इसको दिमाग पे रखते हुए हम लोगों को अभी एग्ज़ाम कैंसिल करना या फिर पोस्टपोन करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ से पहले कुछ नहीं है, मुझे लगता है वैल्यू ऑफ लाइफ इज़ फार 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 ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एग्ज़ाम। तो ज़रूरी इसको दिमाग पे रखते हुए आई रिक्वेस्ट टू UGC, आई रिक्वेस्ट टू MHRD, प्लीज इसके ऊपर सोचिए और डेफिनेटली अपना एग्जाम पोस्टपोन या फिर कैंसिल इस टाइम के अंदर जरूरी कीजिए। यही था आज का वीडियो, मुझे लगता है ये वीडियो डेफिनेटली आपको जानना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बताना, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करना, और ये वीडियो डेफिनेटली मैं आशा करूंगा बहुत आप लोग शेयर करेंगे ताकि हायर अथॉरिटी के पास ये वीडियो पहुंचे और जरूरी ये वीडियो से वो लोग कुछ आप बोल सकते हैं सोचे और डेफिनेटली डिसीजन में कुछ चेंज लाया जाए। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।